10 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी आज 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, वहीं कल मोदी 4 रैलियों में हुंकार भरेंगे। आज नेत्रंग, खेड़ा, मोटा, वारछा में पीएम मोदी रैलियां करेंगे। पीएम मोदी गुजरात चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को सौराष्ट्र में 54 सीटों, गुजरात के 35 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। और 10 बजे की दूसरी बिग ब्रेकिंग न्यूज, गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री हो गई है। गुजरात में खड़गे आज पार्टी का प्रचार करेंगे। खड़गे आज सूरत और नर्मदा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद खड़गे अहमदाबाद पहुंचेंगे, जहां पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। रात 8 बजे अहमदाबाद में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। 10 बजे की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो कार्यक्रम मन की बात करेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। पीएम ने इस बार की तरह इस बार भी लोगों से विचार और सुझाव मांगे हैं। आज मन की बात का ये 95वां एपिसोड होगा। 10 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली एमसीडी चुनाव प्रचार का सुपर संडे है। आज बीजेपी दिल्ली के सभी 13,000 से ज्यादा बूथों पर महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी, जिसके तहत कार्यकर्ता घर घर जाकर बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अब से थोड़ी देर में केशवपुरम में गृह संपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा AIMIM चीफ ओवैसी भी आज सुबह 10 बजे से दिल्ली के कई इलाकों में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगे। और 10 बजे की 5वीं ब्रेकिंग न्यूज, सत्येंद्र जैन का जेल से एक और CCTV फुटेज सामने आया है। वीडियो में सत्येंद्र जैन की सेल की सफाई हो रही है और बैरक की सफाई के साथ वहां पर लोग बिस्तर लगाते हुए भी दिख रहे हैं। वीडियो को लेकर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है, कहा जेल मंत्री का शाही दरबार लग रहा है। सत्येंद्र जैन को लेकर जो कल वीडियो सामने आया, उसमें तिहाड़ जेल के निलंबित अधीक्षक से बात करते हुए वो नजर आए थे। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन को लेकर अब तक का यह 4था वीडियो है। 10 बजे की 6ठी ब्रेकिंग न्यूज, अयोध्या में आज रामायण मेले का आयोजन हो रहा है। सीएम योगी आज अयोध्या में रामायण मेले का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या दौरे के दौरान सीएम योगी हनुमानगढ़ी, रामलला के दर्शन और पूजन करेंगे। सीएम योगी विकास योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे। उसके बाद सीएम योगी गोरखपुर पहुंचेंगे। गोरखपुर में कई 100 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। और 10 बजे की 7वीं ब्रेकिंग न्यूज, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आज विशाल जनसभा का आयोजन है। जनसंख्या या नियंत्रण फाउंडेशन की ओर से इस धरने का आयोजन किया गया है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की मांग है कि 2 बच्चों की नीति एक समान सभी धर्म समुदाय के ऊपर लागू हो और इस नीति को जो भी नहीं माने उनके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए। खबर है कि प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और वरिष्ठ RSS नेता इंद्रेश कुमार शामिल हो सकते हैं। 10 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज, श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब की कल कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। आफ्ताब को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आफ्ताब को जेल में अलग सेल में रखा गया। आफ्ताब को 24 घंटे CCTV की निगरानी में रखा जाएगा। जेल अथॉरिटी के कुछ लोग हमेशा उस पर नजर रखेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल आफ्ताब का नार्को टेस्ट हो सकता है। 10 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज, यूपी के महाराजगंज से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की जमकर पिटाई की। वीडियो में बेटा मां के बाल खींचकर घसीटते हुए सड़क पर गिराकर लात फूसों से मार रहा है, जिसका वीडियो वायरल हो गया। फिलहाल पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी। 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का बड़ा ऐलान। रावलपिंडी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा PTI के सदस्य सभी विधानसभाओं से इस्तीफा देंगे। इमरान खान ने कहा कि अब हम इस प्रणाली का हिस्सा नहीं होंगे। हमने सभी विधानसभाओं को छोड़ने और इस भ्रष्ट व्यवस्था से बाहर निकलने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इमरान इस समय पंजाब, खैबर पख्तूनवा, आजाद कश्मीर, गिलगित, बाल्टिस्तान में सत्ता में है।